बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थी, साथ ही उनकी एक्टिंग को फैंस काफी पसंद करते थे। वैसे तो डिंपल कपाड़िया पर कई बड़े बड़े एक्ट्रेस अपना दिल हार बैठे थे, लेकिन डिंपल ने अपना दिल उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना को दिया था। दोनों के बीच उम्र का फासला था, लेकिन इसके बावजूद भी डिंपल और राजेश ने शादी कर ली थी। इन दोनों की जोड़ी को फैन भी काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। राजेश खन्ना तो डिंपल के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि उन्होंने उस समय के सबसे बड़े निर्माता निर्देशक राज कपूर से दुश्मनी मोल ले ली थी। तो आइए जानते हैं कि राजेश और राज कपूर की दुश्मनी की वजह क्या रही थी। डिंपल कपाड़िया ने जिस मूवी में बॉलीवुड में डेब्यू किया था उसे राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म बॉबी में डिंपल के साथ ऋषि कपूर नजर आए थे। बता दें कि डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने बॉलीवुड में अपनी बेटी की लॉन्च को लेकर एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और इस पार्टी में राजेश खन्ना समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। जब राजेश ने डिंपल को पहली बार देखा था तो उसी समय वो अपना दिल हार बैठे थे। राजेश चाहते थे कि वो फिल्म में डिंपल को अपने साथ लें। हालांकि राज कपूर ने ये साफ कर दिया था कि जब तक बॉबी फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक डिंपल कोई और फिल्म नहीं कर सकती है, और इसी वजह से राजेश खन्ना और राज कपूर के बीच में विवाद खड़ा हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ।